हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप, यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और जैसे कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की वीडियोस चल रही हैं, सीरीज चल रही है, जहां पर मैं 200 इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल क्वेश्चन, मोस्टली आस्क क्वेश्चंस आपको कराकर चल रहा हूं। तो 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और आज है ये पार्ट 4। यहां पर भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा 40 इंपॉर्टेंट मोस्टली आस्क क्वेश्चंस। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस का एग्जाम है, रेलवे का ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीसीएस है, या कोई स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज चल रही है। बार बार पूछे वाले जाने वाले क्वेश्चंस हम यहां पर इंक्लूड करके चल रहे हैं, और साथ ही आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सभी वीडियोस की भी पीडीएफ आपको अभी के अभी अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके चलें, बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपको काफी सारे क्वेश्चंस एक साथ याद हो जाने हैं। और ये हम 5 पार्ट में, मैंने इसको कोर्स को कंप्लीट कराना है, आज 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और 50 से 55 मिनट का टोटल ड्यूरेशन टाइम लगेगा इन 5 कोर्स को अगर आप वॉच करते हैं। और बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर एग्जाम से पहले आपको इस तरह का अच्छा सा रिविजन मिल जाए, क्रैश कोर्स मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टैक्स पे नहीं करना, कोई जीएसटी नहीं लगना है इस पर। ठीक है, बस एक लाइक का बटन और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं भी करेंगे तो भी वीडियो तो देखेंगे, लेकिन करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। क्लियर, चलिए। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कराता है? तो वित्त आयोग का जो गठन करता है, उसकी जो नियुक्ति करता है, वो करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह अधिकार है। क्लियर, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व, भू राजस्व जो आता है वो केंद्र सरकार के अंडर में नहीं आता, उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो होती है संसद सत्र के शुरू होने पर, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है थर्ड सेक्टर, ठीक है, तृतीय सेक्टर से राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो, ठीक है, साथ साथ अगर बैठते हैं संसद के दोनों सदन, तो वहां पर इसी बिल पर विचार विमर्श किया जाता है जो जिस पर वो दोनों सदन राजी नहीं होते हैं। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इंडिया, हिंदी में है भारत और इंग्लिश में है इंडिया। नेक्स्ट है कि संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की संख्या मौजूद है? ठीक है, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियां, यानी कि जो आपातकाल हैं, वो है 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, आंतरिक आपात और वित्तीय आपात। क्लियर, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक लिखित संविधान है, ठीक है, इससे बड़ा संविधान किसी भी कंट्री का नहीं है। भारतीय संविधान में किस तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? कितने तरह के? तो 3, अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के आपातकाल का यहाँ पर जिक्र मिलता है, ठीक है, अगर कोई आकस्मिक युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश से तो उस टाइम आपातकाल लागू हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर आंतरिक कलह है, मतलब भारत के अंदर खुद ही अनशासनाई फैल जाए, तो राष्ट्रपति उस टाइम समय इमरजेंसी लागू कर सकता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपात, जब आर्थिक रिसेशन का दौर आ जाता है, आर्थिक संकट कुछ ज्यादा ही गहरा जाता है, तो उस वक्त 3रे प्रकार के, यानी कि वित्तीय आपात का संकट हो जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अगर मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से अगर किसी के कंट्रोल में है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और यही इनको कवर करते हैं और पूरे देश में इसी को लागू करने का, जो उसको अपने तरीके से एक स्ट्रिक्टली इसको लागू करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है। क्लियर,
महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान में पांचवें भाग में वर्णन किसका मिलता है? तो सभी का मिलता है, ठीक है, सभी को मिलता है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य क्या है? धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, नीति निदेशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य यही है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में पहले से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत में राज्य विधायिका बनती है किससे बनती है? गवर्नर से, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहां है तो, ठीक है, गवर्नर होना चाहिए कि राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, विधानसभा भी होनी चाहिए और विधान परिषद, क्लियर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है 85वां अनुच्छेद, ठीक है, जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो वो मैक्सिमम होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष तक वह मंत्री बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो वह अकेली संसद के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? ब्रिटिश प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, मतलब विभिन्न प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनकी विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे, ठीक है, और इन्होंने ही भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट, संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही समान लक्ष्य है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो वह मिलता है अनुच्छेद 24 में। संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, संघीय राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, क्लियर। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो वो हो जाता है यूएसए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग से स्थान दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा अनुच्छेद 330 में वर्णन है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो वह है संविधान संशोधन संबंधी बिल, संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्यों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 51A में। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, क्लियर। नेक्स्ट है कि संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में बिल्कुल भी उसने अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो वह है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये केवल राज्यसभा के सदस्यों पर का ही अधिकार है, क्लियर, इसमें लोकसभा का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, क्लियर। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि यह राज्यसभा का ही सभापति होता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की थी? तो वो थी संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति पेश की थी संयुक्त संसदीय समिति ने। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, यह है मुख्य प्रस्तावना। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्वों को।
नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में ऐसा किया गया है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते, जनमत संग्रह से कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्यों में कौन नहीं था, तो वो थे महात्मा गांधी। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश भारत, जैसे कि मैंने जिक्र किया भारत का सबसे बड़ा संविधान और वो भी लिखित सबसे बड़ा संविधान। ठीक है गाइस, तो आज फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया और 40 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किए। इस तरह से हमारे इंडियन पॉलिटी के 160 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज़ है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे देख कर चलें। क्लियर गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।